5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. We were tracking. Easy tracking. अगर इंडिया की बात करें तो पहले मिशन मून की बहुत बल्ले बल्ले थी पूरे दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बात की जा रही थी। और अब PSLV C-57 यानी कि आदित्य L-1 ये उड़ गया है सूरज की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधकार से उजाले की ओर का सफर इसने तय कर दिया है। चंद्रयान की भव्य सफलता के बाद अब आदित्य L-1 गया है सूरज को ऑब्जर्व करने। हम यहाँ पर आटा चीनी दाल रोटी के मसाइल में पड़े हुए हैं और इंडिया चांद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है और दुनिया में अपनी तारीख रकम करवाते जा रहा है। दुनिया अभी इंडिया की मिसालें दे रही है, द नंबर वन है या फिर ओनली वन है। गैस हम क्या हैं? एक नंबर के चूतिया हो तुम। तक अपने बच्चों को ही चांद चांद कहने पर इत्तेफाक किए हुए हैं, मतलब ये मतलब हमारे बच्चे तो अच्छे हैं। हाँ ठीक है, वो भी है, बात तो सही है। तो क्या हाल है दोस्तों? जी हाँ, तो आज हम फिर एक बार आपके लिए पाकिस्तानी जाहिलों के शानदार वीडियो लेके आए हैं, जहाँ पाकिस्तानी जाहिल ये बोल रहे हैं कि चंद्रयान ने उसको चांद पर जाने की क्या जरूरत थी। जी हाँ, और यह भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आटा खाने को लाले पड़े हुए हैं और भारत चांद पर जा रहा है। वहीं एक पाकिस्तानी तो ये बोल रहा था कि हम भारत से 1000 साल पीछे हैं और डॉलर है वो आने वाले दिनों में 600 रुपए एक डॉलर होने वाला है और पाकिस्तानी जो लोग है वो अब कंगाल होने वाले, पाकिस्तान में आटे खाने के लाले पड़ने वाले। क्या है वीडियो में, वीडियो होने वाला है मजेदार, ओरिजिनल वीडियो ले, उनका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और क्योंकि आपका भाई ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता है। तो कैसे चैनल पर नए हो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए फटाफट से वीडियो देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में और बात करेंगे लास्ट में। हमें उनसे कम से कम 1000 साल हम उनसे पीछे आ चुके हैं। 1000 साल से भी ज्यादा ऐसे में पढ़ते हो, बहुत जबरदस्त यार। क्या लगता है कि आपको के चांद पर जाना सही है? जो नॉन मुस्लिम जा रहे हैं, अभी इंडिया चांद पर चला गया, चांद पर जाके वो स्टडी कर रहा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो ये है, चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है, चांद को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। हाँ, अगर बच्चे मदरसे में पढ़े ना तो ये हाल होगा कि चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है। इनको इनके चाचा है ना, वो चांद पर भेज के आए थे लेकिन नीचे आ गया है जबरदस्ती, बोला वहां तो हंगने की जगह भी नहीं है, हैं ऑक्सीजन ही नहीं है, चांद को कदमों में भी कोई ला सकता है कि भाई सोच समझ के बोला करो। खैर वीडियो में मजा बहुत आने, वीडियो को देखे, अपनी गलती मान ले, हमारे पॉलिटिशियन अपनी गलती मान ले और हम कहेंगे यार आज यूनिटी दिखाते हैं, ये सिंधी बलोची पठान ये सब छोड़ के एक पाकिस्तानी होके आगे बढ़ते हैं, नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, ये नफरत वाली सोच खत्म करते हैं। आपको नहीं लगता अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है? सर बिगड़ा तो नहीं है, लेकिन आज भी हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम, मेरा अंदाजा है कि हम 2-3 साल में कर्ज भी उतार सकते हैं। ईमानदारी से अगर चले ना तो कर्ज भी उतर जाएगा, हमारा मुल्क संवर जाएगा। हम मुसलमान हैं, मुसलमान की दुआ कभी रद्द नहीं। अगर हम अच्छे अच्छे इखलाक से करें, दिल से करें, ठीक है, ये नहीं है कि हम ऊपर से कुछ और कहें अंदर से कुछ और। जिस तरह पहले चल रहा है, 75 साल हो गए हैं, कमा कोई रहा है, हम तो बस कमाने के लिए हैं, कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो अयाशियां कर रहे हैं, वो खा पी रहे हैं। अच्छा, और ये जो रोड्स वगैरह हैं, इवन ट्रेन का जो सिस्टम है, ये सब वो गोरों के दौर का है। हमारे यहाँ पे कोई नई इनोवेशन, इवन कोई ट्रेन की एक बोगी भी हमने खुद नहीं बनाई, ये भी चाइना से बन के आती है। हमारे ब्रिज जो से हैं, कोई चाइना आके बनाता है, कोई दूसरे कंट्रीज आके बनाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? कहा यह जाता है टैलेंट बहुत है। इंजीनियर साहब आओ इसका जवाब। मैं आपको बताता हूँ कि टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ग्वादर पे चाइना आके क्यों अपना कंट्रोल रखे हुए है? गवर्नमेंट की वजह से अपने इंजीनियर्स को, अपने पढ़े लिखे तबके को, डॉक्टर्स हो गए, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती। देखिए अगर वो फेल भी हो जाते तो वो नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। कैसे फेल होंगे? जो साउथ पोल पे चले गए वो सूरज मिशन पे कैसे फेल होंगे? चीजों के अंदर काफी डिफरेंस है, चांद के ऊपर वो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन चांद पे लैंड तो नहीं ना करना, वहाँ पे तो वो लैंडिंग वन पे खड़ा रहेगा, बस उसको वॉच करता रहेगा। देखिए 14 दिन का उनका मिशन है, जो 2025 के अंदर उनका मिशन आ रहा है, वो प्रॉपर रोबोट की सूरत में जा रहा है, उस रोबोट को लॉन्च करेंगे वहाँ पे घूमने के लिए। और मेरे ख्याल से तो उनका ये जो है, अगर ये नहीं भी कामयाब होता तो नेक्स्ट टाइम के अंदर वो दोबारा कामयाब हो जाएंगे। अच्छा बताएं हम किस लिए पैदा हुए, हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान के अंदर जो सबसे मेजर रूल है, एक आर्मी रूल चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं। अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है अमेरिका के बाद, कंटिन्यूस वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है। जब तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, अवाम की जमहूरियत नहीं आएगी, जो भी अवाम की मुंतखब करदा हुक्मरान है, जिनको अवाम मुंतखब करेंगे, जितनी देर तक वो लोग हुकूमत के अंदर नहीं आएंगे, पाकिस्तान के अंदर मंसूबे नहीं चलेंगे, तब तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। और स्पार्गो, पाकिस्तान ने उनसे पहले अपना रॉकेट लॉन्च किया था, स्पार्गो स्पेसशिप, और देखे और आज और है स्पार्गो। देखिए स्पार्को के अंदर कंटिन्यूस तरक्की नहीं हुई, अगर आप देखें तो जैसे जो उनका साइंटिस्ट अब्दुल सलाम, उन्होंने उसको प्रेजिडेंट बनाया और पाकिस्तान ने अपने जो साइंटिस्ट था उससे माफ़ी मंगवाई अब्दुल कदीर खान से। ये
फर्क है, जो मेजर डिफरेंस है कौम कौम का। अब पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुका है। ये एक बात सही भी है कि जो पाकिस्तान है उसको आजाद हुए आज 75 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे जो लोग है सख्त ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो रेल की पटरियां हैं वो खुद दूसरे देश आके बिछाते हैं, गाड़ियां दूसरे देश से इम्पोर्ट करता है, वहीं जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी दूसरे देश से आते हैं, और जब भी ब्रिज बनाना होता है तो अमेरिका और चाइना जैसी वहां की कंपनी आकर जो है पाकिस्तान में ये सब काम करती है। पाकिस्तान ने अभी कुछ भी नहीं किया है और उनकी सरकार भी वहाँ के लोगों को सपोर्ट नहीं करती है। हमें उनसे कम से कम 1000 साल हम उनसे पीछे आ चुके हैं, 1000 साल से भी ज्यादा। डॉलर देखिए श्रीलंका के अंदर डॉलर आज भी 320 का जो डिफॉल्ट कर चुका है, और आपका मुल्क अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, और यहाँ पे 324 का अगर सोचिए डिफॉल्ट करेगा तो ये 624 पे जाएगा। अफगान 30 साल से जंग है उनके मुल्क के अंदर, आज उनका डॉलर देखें 75-80 रुपए का। पाकिस्तान के अंदर महंगाई 40-50% तजावज कर चुकी है, मौजूदा घूमते आ रही है, उनको गिरा रहे हैं, आर्मी का रूल आ रहा है, और देखें पाकिस्तान डे बाई डे नीचे जा रहा है। सबसे बुनियादी मसला आपने एजुकेशन के ऊपर पैसा नहीं लगाया, हेल्थ के ऊपर पैसा नहीं लगाया, ना आपके किसी भी शख्स के अंदर शऊर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। गुर्बत डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, नौकरी की एजुकेशन कुछ नहीं है लोगों के पास, पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? दोस्तों देखिए सही कहा कि पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि जहाँ एक और इंडिया चांद पर चला गया वहीं यहाँ पर आटा खाने के लाले पड़े हुए, वहीं जो कुछ लोग ये भी बोलते हुए नजर आए कि जो पाकिस्तान है इसको आजाद हुए 75 साल हो गए लेकिन इसने कोई भी तरक्की नहीं करी, वहां की रेलवे है जो घोड़े बना के गए थे वही रेलवे है, और यहाँ पर कोई भी ब्रिज बनाना हो तो अमेरिका चाइना जैसी कंपनी आकर बनाती है, और वहीं अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हैं तो इंडिया कितनी तरक्की कर चुका है, चांद पर जा चुका है। वहीं कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, डॉलर है वो 600-700 रुपए तक जाने वाला है, और साथ ही साथ वहां की बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, और ये भी बोल रहे थे कि जो पाकिस्तान है वो भारत से 1000 साल पीछे है, तो इसी तरीके से अगर हम काम करते रहे तो पाकिस्तान बहुत ही पीछे चला जाएगा, वहां पर खाने के लाले पड़ेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आज ही आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आती है आपको इस प्रकार की वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपका भाई ऐसी नॉलेज और एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता है। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।